उत्तरी मेक्सिको में कोर्तेस की खाड़ी। यहाँ के पारदर्शी हरे पानी में ऐसी लैब है जिसमें मोती बनते हैं। पेरलास दे ला पाज नाम की कंपनी मेक्सिको के बाहा कैलिफोर्निया सुर में मोती उगाती है। कंपनी में तकनीकी मामलों के लिए जिम्मेदार कार्लोस कासेरेस बताते हैं कि यहाँ के संसाधनों के लगातार दोहन के कारण वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। हम मानते हैं कि इसे बचाना बहुत जरूरी है। इसका संबंध अपने उत्पाद को बचाने से है। बायोटेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए हमें ऐसे मोती बनाने हैं जैसे कभी प्राकृतिक तौर पर मिला करते थे। 16वीं से लेकर 19वीं सदी तक दुनिया में मोतियों का सबसे प्रमुख स्रोत ये सागर ही था, कोर्तेस की खाड़ी। 19वीं सदी तक ये इलाका यहाँ मिलने वाले मोतियों की खास किस्म और भारी मात्रा के लिए पूरे विश्व में मशहूर हो चुका था। फिर तो ऐसा समय भी आया जब एक मोती की तलाश में 1 से 2 लाख ऑयस्टरों को मारा जाने लगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों को पहले तो पर्ल की खेती के इतिहास के बारे में बताया जाता है और फिर उन्हें इसके उत्पादन की प्रक्रिया दिखाई जाती है। मोती का बीज असल में कैल्शियम का एक टुकड़ा होता है जिसे पर्ल न्यूक्लियस कहते हैं। इसे ऑयस्टर में डालने के बाद वापस सागर में छोड़ दिया जाता है। पानी के अंदर जरूरी पोषक तत्वों के लगातार होने वाले बहाव के कारण 4 से 6 साल लंबे वक्त में ये नाकरे नाम की कई परतों से ढक जाता है। फिर वो उस रूप में आता है जिसे हम आमतौर पर मोती के रूप में जानते हैं। मेक्सिको में ऐसे मोतियों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। हम बाजार से जो मोती खरीद सकते हैं वो 50 पैसो या ज्यादा से ज्यादा 100 पैसो यानी $5 से कम के होते हैं। हमारे मोती ऐसे नहीं मिलते क्योंकि उनमें इतनी मेहनत लगती है। इस तरह के पर्ल कल्चर से निकलने वाला फाइनल प्रोडक्ट चीन की फैक्ट्रियों से थोक के भाव में बनने वाले सफेद मोतियों से काफी अलग होता है। कोर्तेस की खाड़ी में मोती उगाने की इस नाजुक और समय लेने वाली प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि हर साल यहाँ केवल कुछ दर्जन मोती ही उगाए जा सकते हैं। पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने वाली गतिविधियाँ जरूर करानी चाहिए। इससे कैलिफोर्निया सुर के सब लोगों को अपनी प्राकृतिक विरासत को सहेजने की सीख मिलेगी। इससे वे अपनी अगली पीढ़ियों को ये सब बता पाएंगे और फिर पर्यटकों को भी। स्थानीय डिजाइनर और कलाकार इन खास मोतियों से सुंदर गहने बनाते हैं। इन मोतियों से बने गहने 100 से लेकर $1,000 तक में बिकते हैं।